नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 30 जनवरी को विधान परिषद की सीट हेतु होने जा रहे अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस की ओर से किसे प्रत्याशी बनाया जाए, इस पर विचार मंथन करने हेतु कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आज दोपहर बाद अमरावती पहुंचे। उन्होंने स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सभागार में संभाग के पांचों जिलों से आए पार्टी के प्रमुख प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए विचार विमर्श किया। यद्यपि इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति के बीच चली इस बैठक में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के लिए अमरावती के पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे सहित अकोला निवासी सुधीर ढोने व यवतमाल के बनी निवासी डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा के नामों पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद मीडिया के साथ संवाद साधते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आज की बैठक में संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से आए सभी सुझावों पर विचार मंथन किया गया और आगामी 12 जनवरी को आलाकमान से चर्चा करने के पश्चात अमरावती संभाग से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं मुंबई से बी फॉर्म लेकर अमरावती आएंगे और उसी दिन पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने के साथ ही पार्टी प्रत्याशी का नामांकन भी भरा जाएगा। यद्यपि इस समय स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव काफी दूर हैं, लेकिन फिलहाल राज्य के उच्च सदन यानी विधान परिषद के लिए स्नातक विधायक चुना जाना है, जिसकी वजह से अमरावती की राजनीतिक आबोहवा में काफी गर्माहट आ गई है। आज तीनों प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व शिवसेना के प्रमुख नेता अमरावती आने से काफी राजनीतिक हलचल देखी गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के लिए ही अमरावती आए हैं। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत भी उनसे चर्चा करने और इस चुनाव में शिवसेना के पदाधिकारी कांग्रेस और राकांपा के साथ होने का संकेत देने अमरावती आए हैं। शिवसेना ने लगे हाथ उनके हाथों मशाल समाज यात्रा का श्रीगणेश भी किया। वहीं अब परसों राज्य के उप मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस भी अमरावती पहुंचने वाले हैं। वहीं आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे शिवसेना के सांसद व विदर्भ क्षेत्र के संपर्क प्रमुख अरविंद सावंत ने शिवसेना की महानगर इकाई द्वारा अमरावती में आयोजित मशाल जनसंवाद यात्रा में हिस्सा लिया। राजापेट परिसर स्थित शिवसेना के महानगर कार्यालय से निकली यह मशाल जनसंवाद यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए खापरडे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण पर पहुंची, जहां पर शिवसेना के जिला प्रमुख दिनेश बुब द्वारा मशाल जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहां पर शिवसेना पदाधिकारियों और शिवसैनिकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद अरविंद सावंत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना बताते हुए पार्टी पदाधिकारियों से पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत रखने हेतु काम करने का आह्वान किया। मी अमरावतीचा काही काळ संपर्क प्रमुख होतो, कोलाहल आहे, वेदना आहेत, चिंता सुद्धा आहे, कारण माझ्या अमरावतीमध्ये माझा एकही खासदार नाही, आमदार नाही, कुणी नाही, त्यामुळे मला असं वाटत राहत की काय आपण कधी एकजिनशीपणानं लढणार। पण आज तुम्हा सर्वांना सांगतो, मी त्या मशाल मोर्चात ना आलो आणि मला कळलं धगधगता अगदी चौकडे आणि मार्ग निखाऱ्याचा जमला नाही कोणाला तर दोष नसतो त्याचा, हिशेब नाही ठेवत आम्ही अशा भेकडांचा, वाघ ऐकला राजा बाकी खेळ बाकडांचा। अमरावती संभाग स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में आज पांचवें दिन प्रहार के प्रत्याशी किरण अर्जुन चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा वाशिम के अरुण सरनाइक ने भी पर्चा दाखिल किया है, ऐसी जानकारी सामने आई। वहीं अन्य लोगों ने आज नामांकन पत्र उठाए, जिसके चलते अब तक उठाए गए नामांकनों की संख्या 66 होने की जानकारी निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई है। हमेशा ही रुग्ण सेवा को प्राथमिकता देने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कड़ू आज करीब 150 मरीजों को अपने साथ लेकर मुंबई पहुंचे। इन सभी मरीजों की मुंबई में नेत्र शल्यक्रिया कराई जानी है, जिसके लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा इससे पहले नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया गया था और इन शिविरों के जरिए नेत्र शल्यक्रिया कराने वाले मरीजों का चयन किया गया। इन सभी मरीजों को लेकर विधायक बच्चू कड़ू खुद मुंबई के अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर सभी मरीजों का इलाज और चिकित्सा करना शुरू किया गया है।
आगामी 48 घंटे के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की सर्दी पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। तीव्र शीतलहर का अंदेशा जताते हुए राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पारा और अधिक घसरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई इलाकों में गहरी धुंध का नजारा है। साथ ही महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। इस माह 21 जनवरी से 3 दिन तक गोंदिया से कोल्हापुर के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है। भुसावल डिवीजन के कोपरगांव व कानेगांव के बीच दूसरी रेल लाइन बिछाने का कार्य जारी रहने के चलते यह निर्णय लिया गया। वहीं अकोला होकर पुणे जाने वाली अन्य रेलगाड़ियों का रास्ता भी परिवर्तित किया गया है। समूचे देश और देशवासियों की भलाई का संकल्प लेकर विगत 1 जनवरी से अपनी देवी बहुचर माँ की पूजा आराधना कर रहे देश भर के किन्नरों ने आज दोपहर नगर भ्रमण कलश यात्रा निकाली तो उसे देखने के लिए अमरावती शहर के तमाम लोग उमड़े। किन्नरों ने भी लोगों को अपने आशीष से नवाजा। साथ ही इस कलश यात्रा का फूल मालाओं और फूलों की वर्षा से विभिन्न चौक चौराहों पर भावपूर्ण स्वागत किया गया। शहर पुलिस उपायुक्त विक्रम साली व उनके साथियों ने गांधी चौक के पास कलश यात्रा की अगवानी कर रहे किन्नरों से आशीष ग्रहण किया। वहीं किन्नरों ने अंबा देवी व एकवीरा देवी के मंदिरों में जाकर शीश नवाया और रोटी भरी। वर्षानंतर आमच्या सोनागुरूंनी जी ही रॅली काढली आणि जे हे अधिवेशन ठरवलं त्याबद्दल पूर्ण अमरावतीकरात आम्ही धर्मदाय कॉटन फ्रंट वरनं जयसमला आलो, राजकमलला आलो आणि अंबादेवी पर्यंत पोहोचलो। भरपूर उत्साह आहे आणि सगळ्यांच्या मनात खूप आनंद आहे की आई जगदंबेची ही कृपा सतत अमरावतीवर अशीच राहो, अशीच राहो, अशीच राहो। विदर्भ किन्नर संस्था द्वारा 1 से 15 जनवरी के दौरान स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित धर्मदाय कॉटन फंड में अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें समूचे देश भर से हजारों किन्नर शामिल हुए हैं। किन्नर समुदाय द्वारा निकाली गई कलश यात्रा आज जैसे ही सक्करसाथ चौक परिसर में पहुंची तो प्रवीण हरमकर मित्र मंडली द्वारा पुष्प वर्षा करने के साथ ही सभी किन्नरों का मिल्कशेक पेश करते हुए उनकी शानदार अगवानी की गई। महानगरपालिका के विभिन्न विभागों में मनुष्य बल उपलब्ध कराने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निकाली गई निविदा प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप महानगरपालिका पर लगा है। अमरावती नागरिक सेवा सहकारी संस्था को मामला हाईकोर्ट में रहते ठेका देने के मामले में अदालत ने निराशा जताते हुए 13 जनवरी से पहले जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर आगामी 16 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। बडनेरा रोड स्थित तापड़िया सिटी सेंटर द्वारा विगत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ग्राहकों के लिए खुशियों का त्यौहार उपक्रम चलाया गया था जिसके तहत तापड़िया सिटी सेंटर में अधिक से अधिक खरीदारी करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ कूपन दिए गए थे। गत रोज फैशन फेम अभिनेत्री व ख्यातना मॉडल मुग्धा गोडसे की प्रमुख उपस्थिति में सभी कूपन का समारोह पूर्वक लकी ड्रॉ निकालने के साथ ही विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। दूसरी बार अमरावती पहुंची अभिनेत्री मुग्धा गोडसे ने तापड़िया सिटी सेंटर मॉल के हर हिस्से का मुआयना करते के साथ ही विश्वास जताया कि इस सेंटर के जरिए अमरावती के आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा और शहर के विकास हेतु तापड़िया सिटी सेंटर मील का पत्थर साबित होगा। इस पुरस्कार वितरण समारोह में जिले की सांसद नवनीत राणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे सहित मॉल के संचालक लड्ढा व तापड़िया परिवार के सदस्य एवं डागा एसोसिएट के संचालक राजेश डागा बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। नववर्ष के उपलक्ष्य में पूज्य पंचायत कवरनगर द्वारा कवरनगर परिक्षेत्र में रहने वाले सिंधी समाज के 80 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पंचायत के पदाधिकारियों और सदस्यों ने समाज के करीब 100 से अधिक वरिष्ठ जनों का स्नेहिल व आत्मीय स्वागत करते हुए बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य पंचायत रामपुरी कैंप की आमसभा कल रविवार को रामपुरी के कृष्णानगर परिसर स्थित बजाज धर्मशाला में ली गई जिसमें वर्ष 2023 की नई पंचायत कार्यकारिणी गठित करने पर चर्चा करने के साथ ही सभी समाज बंधुओं ने सर्वसम्मति से डॉक्टर इंदरलाल गेमनानी को ही अध्यक्ष बनाए रखने का आग्रह किया। ऐसे में उन्हें एक बार फिर निर्विरोध रामपुरी कैंप पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया गया। रामपुरी कैंप पूज्य पंचायत के सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर इंदरलाल गेमनानी ने आज मंडल न्यूज से अपने इतवारा बाजार स्थित क्लिनिक में विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि समाज में सद्भाव व अपनत्व टिकाए रखना आज के दौर में थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन इसे प्रोत्साहन देना है। इसी कड़ी में युवाओं व महिलाओं को साथ में लेकर समाज हित में कई आवश्यक निर्णय करने हैं और उन्हें क्रियान्वित भी करना है। मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा विगत 6 जनवरी को तिरुमला तिरुमति देवस्थानम की यात्रा करते हुए बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान बालाजी के दर्शन किए गए। साथ ही तिरुमला मंदिर परिसर में गोविंदा ग्रुप के सभी सदस्यों ने साथ मिलकर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य रामेश्वर गगड़ का जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस समय रामेश्वर गगड़ ने सभी उपस्थितों के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ साथ एक वीडियो संदेश के जरिए अमरावती सहित विभिन्न स्थानों पर रहने वाले अपने परिजनों, परिचितों व हितचिंतों के प्रति आभार ज्ञापित किया। गत रोज बहिरम यात्रा के दूसरे रविवार को 1 लाख से अधिक भाविक श्रद्धालुओं ने बहिरम बाबा के दर्शन किए और श्रद्धालुओं द्वारा यहां पर 65,000 से अधिक नारियल फोड़े गए। यात्रा में भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह है कि जिसे जहां जगह मिल रही थी वहीं पर हंडी चढ़ाने व रोड़गे भूनने का काम चल रहा था लेकिन हंडी चढ़ाने और रोड़गे भूनने के लिए आसपास जगह ही उपलब्ध नहीं हो रही थी।
विदर्भ के एकमात्र खंडोबा देवस्थान जलका शाहपुर में खंडोबा विवाह उत्सव का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें अमरावती जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहां पर पालकी उठाने को लेकर भाविक श्रद्धालुओं में काफी होड़ देखी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की ओर से कल रविवार 8 जनवरी को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मोटिवेशनल एग्जाम का आयोजन किया गया। अमरावती की 3 शालाओं में इस परीक्षा का सेंटर रखा गया था। छात्रों में स्पर्धा परीक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने और एमपीएससी यूपीएससी की परीक्षा किस तरह होती है इसे लेकर जानकारी देने के उद्देश्य से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। शेतकरी संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन, तुअर, चना व गेहूं सहित 9 फसलों पर वायदा बाजार बंद कर दिया है, जिससे उपरोक्त फसलों सहित अनेक पैदावार के रेट काफी बड़े पैमाने पर गिर गए। ऐसे में उपरोक्त जींस के वायदा बाजार को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सके। पठोड़ा शुक्लेश्वर गांव के किसानों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि गांव के खेत परिसर स्थित किसानों के खेतों से बार बार स्प्रिंकलर सहित कृषि साहित्य की चोरी हो रही है, जिसे लेकर खोलापुर पुलिस स्टेशन में कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अर्थात कृषि साहित्य की चोरी को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं। महाराष्ट्र राज्य गाभा समिति, नव संजीवनी समिति व खोज संस्था की ओर से चिखलदरा तहसील अंतर्गत आने वाले कई आदिवासी गांवों के निवासियों द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि चिखलदरा तहसील के कई आदिवासी गांवों में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसकी ओर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ध्यान दिया जाना चाहिए। सजने का नाम नहीं, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं। अकोला जिला अंतर्गत बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख की संपत्ति के बारे में जांच करने हेतु सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने विधायक देशमुख के नाम नोटिस जारी करते हुए उन्हें आगामी 17 जनवरी को एसीबी के अमरावती स्थित कार्यालय में जांच व पूछताछ हेतु बुलाया है। इस नोटिस में कहा गया कि अमरावती एसीबी द्वारा विधायक देशमुख की संपत्ति के बारे में खुली जाँच की जा रही है, जिसके बारे में उनका बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है। भातकुली रोड स्थित महेश कॉलोनी निवासी कृष्णा ज्ञानेश्वरी साल नामक 19 वर्षीय युवक की गत रोज संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। प्राथमिक अनुमान के आधार पर इस युवक के साथ मारपीट करने के साथ ही उसे चाकू घोपकर मौत के घाट उतारा गया, ऐसी संभावना देखी गई, जिसे लेकर युवक के 3 दोस्त शक के घेरे में आ गए, जो बीती शाम उसे ढाबे पर खाना खाने के बहाने घर से ले गए थे और बाद में कृष्णा का एक्सीडेंट होने व उसे अस्पताल में भर्ती कराए जाने के 2 अलग अलग संदेश देते हुए उन्होंने कृष्णा के पिता को गुमराह करने का प्रयास किया। ऐसे में कृष्णा के पिता द्वारा दी गई शिकायत के चलते खोलापुरी गेट पुलिस ने संदेह के आधार पर कृष्णा इसाल के यश संगले, ऋषभ ठाकरे व सर्वेश वराड़े नामक 3 दोस्तों को अपनी हिरासत में लेने के साथ ही हत्या का मामला दर्ज किया। चूंकि यह वारदात बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई थी, ऐसे में इस मामले से 3 आरोपियों को बडनेरा पुलिस के पास ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस चालक मालक संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्य अपने एम्बुलेंस वाहनों के साथ शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचे, जहां पर पुलिस आयुक्त रेड्डी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया जब तक एम्बुलेंस चालक कृष्णा इसाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव को अंतिम संस्कार हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर के निकट श्रद्धालुओं की बस उलट जाने से भीषण हादसा घटित होने के समाचार है। इस हादसे में 13 लोगों के घायल होने की खबर है। पता चला है कि हादसे के शिकार सभी लोग बुलढाणा जिले के चांडोल गांव के रहने वाले हैं। फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड दाखिल करने के साथ ही खरीदी बिक्री का व्यवहार करते समय विक्रेता के तौर पर किसी अन्य महिला को उपस्थित करते हुए एक प्लॉट को बेच डाला गया। इस जरिए प्लॉट की मूल मालिक महिला के साथ 10.5 लाख रुपए की जालसाजी की गई। यह मामला ध्यान में आते ही सह दुयम निबंधक SG पौड़े ने तुरंत गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने अविनाश काले सहित एक महिला के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। वडाली वन परिक्षेत्र के वडाली बीट खंड क्रमांक 8 के जंगल में स्थित संत कवरधाम परिसर के एक नाले पर प्रदीप यादव नामक व्यक्ति की भैंस पानी पीते समय उसे तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। इसी तरह 3 दिन पूर्व वेलकम पॉइंट के पास कई लोगों को तेंदुआ दिखाई दिया। वहीं बिच्छू टेकड़ी परिसर में अलाव सेकते समय बैठे 3 युवकों ने तेंदुए को शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा, जब तेंदुए ने कुत्ते के शावक का शिकार कर लिया। ऐसे में शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तेंदुए को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। वन विभाग के शेड्यूल 1 अंतर्गत आने वाली प्रजाति के 8 कछुए वन विभाग ने बरामद किए। मुर्शी स्थित जलपरी एक्वेरियम एंड पेंट हाउस नामक दुकान पर छापा मारकर यह कार्रवाई की गई। दरियापुर तहसील के रुस्तमपुर स्थित पूर्णा नदी के घाट से अवैध तरीके से रेती चुराने वाले तस्करों ने नायब तहसीलदार अनिल नाडेकर को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की।
नांदगांव पेट के निकट सावर्डी की MIDC स्थित शिवा रबर फैक्ट्री में कल रविवार की शाम 7 बजे भीषण आग लगी। यह आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें हाईवे तक नजर आ रही थी। इस आग में करोड़ों रुपए की कीमत का कच्चा माल जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाया। विवाहित बहन के प्यार का चक्कर भाई को पता चला, जिस पर दोनों के बीच तूतू मैमा हुई। इस बात से गुस्से में आकर वह महिला अपने 3 वर्षीय बच्चे को लेकर क्षती तालाब पर आत्महत्या करने निकली। वह तालाब में छलांग मारने के लिए तैयार ही थी, लेकिन इसके पहले ही राजापेट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस महिला को जीवन दान दिया। चोरी के अपराध में नामजद व पिछले 9 वर्ष से फरार आरोपी को राजापेट पुलिस ने बीते शनिवार की रात अकोला से गिरफ्तार कर अमरावती लाने में सफलता प्राप्त की। आरोपी का नाम राशिद शाह उर्फ तलवार सिंह अमित शाह बताया गया है, जो अकोला का रहने वाला है। खुद को पुलिस कर्मचारी बताते हुए एक अज्ञात व्यक्ति ने पुरुषोत्तम राउत नामक व्यक्ति से सोने की अंगूठी व नगद रुपए सहित 40,000 रुपए का माल लूट लिया और उसके साथ धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने पर वरुण पुलिस ने नकली पुलिस के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजी गई लिंक पर क्लिक करने के साथ ही उससे प्राप्त OTP शेयर करना युवक को काफी महंगा पड़ा। गणेश बोधानी नामक युवक के बैंक खाते से 16,788 रुपए की रकम ठगबाज ने दूसरे खाते में ट्रांसफर कर ली। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। माहौली जहांगीर के डबर गांव में उधारी के रुपए को लेकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के 2 समूहों के बीच हुए विवाद में दोनों समूह के लोगों ने एक दूसरे को बेदम पीटा। उधारी के रुपए को लेकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों के 2 गुटों के बीच हुए विवाद में दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। इस हमले में 6 लोग घायल हुए, जिसमें 4 महिलाओं का समावेश है। दोनों पक्षों की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह घटना माहौली जहांगीर के डबर गांव में कल शाम घटित हुई। अमरावती निवासी एक परिवार महान स्थित काटेपूर्णा बांध को देखने में व्यस्त था। इसी बीच बांध के बाजू में खड़ी उनकी कार में से अज्ञात चोरों ने गहनों की पर्स चुरा ली। यह घटना 8 जनवरी की दोपहर घटित हुई। इस मामले में बारिशी टाकली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की जाँच शुरू की है। मुर्तियापुर राष्ट्रीय महामार्ग पर मानव मोड़ के पास ट्रेलर और कंटेनर की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस दरमियान दोनों वाहनों के टायर फूटे और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीचे उतर कर पलटी हो गए। इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा से अमरावती मार्ग पर 5 बंगला परिसर में गांजे की तस्करी कर रहे नईम शाह, हबीब शाह व शेख वसीम नामक 3 आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए मूल्य का 33 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद करने में पुलिस को सफलता हासिल की। यह गांजा आजाद नगर के शेख इमरान उर्फ गोलू अन्ना का है, ऐसी जानकारी हिरासत में लिए गए आरोपियों ने पुलिस को दी है। यवतमाल जिले की मालेगांव तहसील के अंतर्गत मांगली गांव में सुबह के समय कड़कड़ाती ठंड होने के कारण घर के पास खुले मैदान में अलाव जलाकर सेकते समय 55 वर्षीय वृद्ध महिला शकुंतला भोयर की आग में झुलस जाने की वजह से मौत हो गई। नेर के वली साहब नगर परिसर में रहने वाले 6 दोस्त तैरने के लिए दारवा मार्ग के पाझर तालाब पर गए थे, लेकिन तैरते समय 2 लोग पानी के भीतर झाड़ियों और कीचड़ में डूबकर फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं अन्य 4 दोस्त भागते हुए घर पहुंचे तथा परिवार के लोगों को इसकी जानकारी दी गई। पश्चात डूबने वाले दोनों लड़कों की लाश को चोरी छिपे तालाब से बाहर निकाला गया और काफी गोपनीयता का ख्याल रखा गया ताकि इस घटना की खबर कहीं ना होने पाए। इस गंभीर घटना के चलते नेर शहर में काफी खलबली व्याप्त है। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के केवल कॉलोनी परिसर में 2 महिलाएं पैदल जा रही थी। इसी दौरान नीले रंग की मोपेड पर पीछे से आए 2 आरोपियों ने एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर 36,000 रुपए मूल्य का मंगलसूत्र छीना और दोनों युवक भाग गए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूर नगर से फर्स्ट स्टॉप मार्ग पर एक इंडिगो कार में प्रतिबंधित गुटखे की तस्करी चल रही है, ऐसी जानकारी मिलने पर राजापेट पुलिस ने छापा मारकर कार की तलाशी ली और कार से 96,000 रुपए मूल्य का 800 नग प्रतिबंधित पानपराग प्रीमियम गुटखा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने कवरनगर के तुषार नानवानी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के जलकापट गांव में रहने वाले धीरज जेंडने का 7 क्विंटल कपास किसी ने चुरा लिया। पुलिस की सहायता से सैयद मोइन व हफीज खान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ। परदोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के 2 आरोपियों को अमरावती जिले से तलीपार किया गया। अचलपुर के SDO के आदेश पर मुंबई पुलिस कानून के तहत शाहरुख उर्फ मोबिन खान तथा प्रथमेश उर्फ गणूत चौधरी इन 2 आरोपियों को तलीपार किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।